सभी एस्पिरेंट्स एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं और स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, सीटिंग अरेंजमेंट सारा बिल्कुल अच्छा है। बैग में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैं, मेरे हस्बैंड दोनों यहाँ पे डेली आते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल डितनिश व्लॉग्स। सो गाइज, आज आपको ले आया हूँ एक ऐसी जगह जो सीधा सीधा कनेक्ट करती है एजुकेशन से। गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधा ले चलता हूँ द न्यू थिंकिंग क्यूब लाइब्रेरी में। सो गाइज, यहाँ से आप नीचे जाओगे तो सामने आपको लाइब्रेरी मिलेगी, इस साइड आपको पार्किंग मिल जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स के बाइक स्कूटी साइकिल सब यहीं पे खड़े होंगे। सो इस साइड आपको भैया का ऑफिस मिल जाएगा राइट साइड पे। गाइज, जो थिंकिंग क्यूब लाइब्रेरी के ओनर्स हैं हमारे सामने हैं, हम उनसे थोड़ी बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेप उनका क्या था इस लाइब्रेरी को स्टार्ट करने में और उनका जो ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आइडिया था वो उनको कहाँ से मिला, कि हमारे यंगस्टर्स भी ये सब देख रहे हैं तो भैया स्टार्ट करते हैं। ये आइडिया मुझे आया दिल्ली से। एक्चुअली दिल्ली में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी एचपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे मुखर्जी नगर में, यू मस्ट हैव हर्ड इट, यस, मुखर्जी नगर में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे स्पेसेस ऐसे हैं जो केबिन्स प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स को। तो दिस केम फ्रॉम दैट। एंड उसके बाद एज यू नो कि चंडीगढ़ आजकल इट्स बिकमिंग ए हब ऑफ एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आसपास के प्लेसेस से, हरियाणा से, हिमाचल से, पंजाब से, राइट, वहाँ से प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ये फैसिलिटीज़ तो चाहिए उनको, इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। तो वी थॉट के वाई नॉट हियर, राइट, यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट क्यों ना लाया जाए। आजकल एस्पिरेंट्स को अगर एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कराते हैं तो दे आर रेडी टू ग्रैब। तो हमारा अपना स्पेस है। ओके, हमने इसलिए हमने वहाँ से स्टार्ट किया। एंड बेसिकली ज़्यादा होमवर्क मनोज ने किया था। ओके, ओके, सो अब करेंगे मनोज भैया से बात और पूछेंगे कि इस सेटअप को तैयार करने में कितना टाइम लग गया। सो मनोज भैया, आप थोड़ा बताइए। ये मेरे पास 1400 स्क्वायर फुट एरिया है और इसको सेटअप करने में 3-3.5 महीने लगे। ओके, आप इसके चार्जेस और टाइम शेड्यूल वगैरह सब बता दो एक बार। 3 शिफ्ट रखी है, 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर। 6 आवर के लिए मंथली फी है 600, 12 आवर के लिए डे में रहते हो अगर आप तो उसमें रहेगा 1000, नाइट के लिए 800 रहेगा। ओके, एंड 24 आवर जो रिजर्व सीट रहेगी उसके लिए 1500 चार्ज रहेगा, मंथली फी रहेगी। ओके, तो फैसिलिटीज सारी इसमें फ्री रहेंगे, इसके अंदर फैसिलिटी वगैरह सब अवेलेबल रहेगा। तो भूपिंदर भैया, आप हमें थोड़ा अपने सेटअप के बारे में बताइए। अनिश, बताना क्या है, आई विल टेक यू इनसाइड। ओके, चलते हैं। सो गुड। Yeah, space was very good. Yes, अगर आप देखेंगे तो generally libraries में देखेंगे बहुत tight space, बहुत congested space होता है, उसी को ध्यान रखते हुए बहुत problem होती है students को थोड़ा आगे पीछे move करने में, बाहर निकलने में, उसको ध्यान रखते हुए हमने इसको काफ़ी open रखा है so that किसी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, कोई disturb ना हो। बात कर रहे थे हम ओपन स्पेसेस की, अगर आप हमारे केबिन देखेंगे तो हम बुक्स रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल्स वगैरह सब कुछ आसानी से रखा जाता है। उसमें भी अगर आप ऊपर रखना है, ज़्यादा बुक्स लेके आते हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं। एंड केबिन्स में आप देखेंगे लाइटिंग प्रॉपर है, राइट, चार्जिंग अलग, हर एक क्यूब के लिए अपना चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर आप अपना लैपटॉप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। नीचे से लेग स्पेस देखेंगे, बहुत लेग स्पेस है। चेयर देखेंगे आप हमारी, चेयर का स्टफ बहुत अच्छा है क्योंकि जनरली बहुत काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए बैठते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, बट हमने वो ध्यान रखते हुए इसका स्टफ अच्छा रखा है। ओके, और अगर आप देखें तो इसकी हाइट एडजस्टेबल है तो स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप में इशू नहीं है। बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो हम लॉकर्स, ऑन डिमांड लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स अपना वैल्यूएबल सामान लेके आते हैं, बाहर रह रहे हैं वो तो छोड़ के नहीं आ सकते, राइट, तो हम उनको लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं, ये आराम से लॉकेबल है और मिस नहीं होगा किसी का सामान। जी, स्पेस वॉज वेरी गुड, यहाँ पे हेलमेट आराम से आ जाएगा, हेलमेट बिल्कुल,
यहाँ पे आपकी बुक्स आ जाएंगी, अगर आपके बुक्स फोन्स वगैरह राइटर लैपटॉप वगैरह रख के जाना है तो वो रख के जाते हैं। भी आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए सीसीटीवी प्रोवाइड भी किया हुआ है? जी जी, सिक्योरिटी कैमरा अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे है, ओके okay. इस साइड है, कोई भी सीट ऐसा नहीं है कि कहीं ब्लाइंड स्पॉट में है, तो हर जगह से कवरेज है हमारे। सो गाइस, वाईफाई प्रोवाइड किया हुआ भी यानी 5G स्पीड के साथ। सो भूपिंदर भी, आपको कुछ और बताना हो लाइब्रेरी के बारे में? देखिए, मैं तो बताता ही रहूँगा। ओके आई वुड रादर से कि जो स्टूडेंट्स डेली आ रहे हैं यहाँ पे, राइट, आप उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे आपको कि हाँ उनको कैसा लगता है, कैसा एनवायरनमेंट है। सो गाइस, चलिए वन ऑफ द स्टूडेंट से बात करते हैं। आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताओ। सर, मेरा नाम मोनिका है। ओके okay. और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। एंड मैं, हमने फैब में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यहाँ पे डेली आते हैं 9 to 9 वाली शिफ्ट। 9 to 9 जी। बाकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, पीसफुल माहौल है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को मतलब देख के थोड़ा मोटिवेशन भी होती है। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? सर, मैं सिविल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ हिमाचल के। सिविल एग्ज़ाम फॉर हिमाचल? राइट। तो आपके हस्बैंड कहाँ बैठे? सर, इधर ही साथ में। ओके, हेलो सर। हेलो। सो सर, आप भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बता दो। सर, मेरा नाम शुभम है। ओके। मैं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। राइट। एटमॉस्फेयर भी अच्छा है और स्पेसियस है काफ़ी लाइब्रेरी। गाइस, और स्टूडेंट से भी बात करके देखते हैं उनका रिव्यू कैसा है लाइब्रेरी के बारे में। आपका नाम भैया? मेरा नाम विशाल सिंह है। ओके। और मैं यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आता हूँ। ओके। तो ये लाइब्रेरी में सभी एस्पिरेंट को काफ़ी फैसिलिटी है, जैसे सेपरेट लॉकर अवेलेबल है। ओके। और बैग लैपटॉप रखने के लिए सेपरेट लॉकर। राइट। तो पार्किंग आउटसाइड है इसके बाहर, तो बाइक हम अपनी वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और रिफ्रेशमेंट के लिए सेपरेट रूम अवेलेबल है, चाय कॉफ़ी अपना सेपरेट, खाना वगैरह वहाँ पे खा सकते हैं। राइट। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे सभी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। और स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, सीटिंग अरेंजमेंट सारा बिल्कुल अच्छा है, बुक्स अपनी सेपरेट रख सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर से हमने सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं, वो अभी आउटर देखते हैं। भैया, अब हमें रिफ्रेशमेंट दिखाने लगे हैं जो प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। भैया, आपने क्या क्या दिया हुआ है? टी कॉफी मशीन रहेगी। टी कॉफी मशीन, टी और कॉफी के दो ऑप्शन रहेंगे। ओके। रिफ्रेशमेंट वगैरह जैसे। ओके, बिस्किट्स वगैरह हैं गाइस इसमें, और आपको कुछ भी चाहिए होता है जैसे आप बाहर से भी शॉप से लेते हो। सो भैया ने इजी कर दिया है, यहीं पे रखा हुआ है। भैया ने रेस्ट रूम प्रोवाइड किए हुए हैं बच्चों को। सो भैया चले रेस्ट रूम पे। हाँ, बिल्कुल चलो। सो गाइस, यहाँ पे भैया ने रेस्ट रूम रखा है, ये बेसमेंट में लाइब्रेरी है, नीचे से ऊपर आओगे सो यहाँ से रेस्ट रूम है। ये रेस्ट रूम? अच्छा, ये रेस्ट रूम है। सो गाइस, यहाँ से है एंटर, रेस्ट रूम में हो रहे हैं हम। सो बहुत अच्छे से भैया ने यहाँ पे सोफ़ा दिया हुआ है, टेबल है, यहाँ पे किसी का टिफ़न है क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं, अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी करना है। न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है। यहाँ पे भैया ने सिंगल बेड लगाया हुआ है, किसी को रेस्ट करना हो, कोई थकावट हो या कुछ भी, अगर आपको हेडेक हो या कुछ, रेस्ट कर सकता है कोई भी स्टूडेंट। यहाँ पे अच्छे से कर्टन्स लगे हुए हैं। ये भैया ने डिस्पेंसर दिया हुआ है, इसमें कोल्ड, मीडियम और हॉट वाटर आपको मिल जाएगा। सो ये वॉशरूम है गाइस। गाइस, यहीं पे भैया बैठते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट को क्वेरी हो भैया सॉल्व करके देते हैं। और एंट्रीज भी आप देख सकते हो यहीं पे डलती हैं सारी स्टूडेंट्स की, कोई आता है तो यहाँ पे एंट्री होती है सबसे पहले। सेफ्टी मेजर्स पूरा ध्यान रखते हैं भैया। ओके। सो गाइस, अब है टाइम विदा लेने का मनोज भैया से और भूपिंदर भैया से। जो मनोज भैया और भूपिंदर भैया कर रहे हैं एजुकेशन को आगे लेके जा रहे हैं लाइब्रेरी की मदद से, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करिए और जो भी बीएफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी मदद से अपनी एजुकेशन को ग्रो करिए इसी लाइब्रेरी में बैठ के। तो गाइस, मेक श्योर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को शेयर इसलिए करिए क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स के पास जा सकता है और इस लाइब्रेरी में बैठ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।